अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज इस वीडियो में हम 2023 की जो यूट्यूब ने नई पॉलिसीज लॉन्च की हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। अब यूट्यूब पे जब भी सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस मिलती हैं जो पुरानी हो चुकी हैं। आज इस वीडियो में आपको यूट्यूब की लेटेस्ट पॉलिसी जो 2023 में यूट्यूब ने लॉन्च की है मोनेटाइजेशन को लेके, और उसने कौन से नए फीचर ऐड किए हैं, और आप कितने वेज से 2023 में यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हैं, और यूट्यूब ने कौन कौन से नए फीचर ऐड किए हैं, और उसके साथ मोनेटाइजेशन के लिए यूट्यूब ने कौन कौन सी पॉलिसी रखी है नहीं, ताकि आपके लिए इजी रहे अपने चैनल को मोनेटाइज करवाना। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आप 2023 में अपने चैनल को कैसे मोनेटाइज करवा सकते हैं, और आप ये जानना चाहते हैं कि आप कितने तरीके से 2023 से यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हैं, आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखना होगा। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सर बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी नई इस तरह की वीडियो पोस्ट करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। चलते फिर आज के टॉपिक पे बगैर टाइम वेस्ट। ऑलराइट, वेलकम बैक गाइस। जैसा कि आप जानते हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि YouTube ने 2023 में मोनेटाइजेशन के हवाले से कौन सी नई पॉलिसीज अपडेट की हैं। इसके लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। जी हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने एक क्रोम को ओपन कर लिया और यहाँ से मुझे यूट्यूब को ओपन करना है। यहाँ पे यूट्यूब लिखे और एंटर कर दें। जैसे ही आपके पास यूट्यूब ओपन हो जाएगा, आपने यहाँ पे जी मेल आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने वो जी मेल लॉग इन करनी है जिसपे आपका यूट्यूब चैनल है। फिर आपने यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक करना है तो आपके पास चैनल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले यूट्यूब ने क्या कहा, यहाँ पे जो अर्न लिखा हुआ है, यहाँ पे पहले मोनेटाइजेशन का ऑप्शन था, तो आप मोनेटाइजेशन को भी सर्च कर सकते हैं और अर्न को भी आप सर्च कर सकते हैं। तो अर्न का मतलब है मोनेटाइजेशन, तो यूट्यूब ने मोनेटाइजेशन को चेंज करके यहाँ पे अर्न लिख दिया। इस पर क्लिक करें। अब ये यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पॉलिसीज है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आप कितने तरीके से यूट्यूब से 2023 में अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले वॉच पेज एड्स, ये क्या चीज है? वॉच फ्रॉम एड्स एंड यूट्यूब प्रीमियम ऑन द वॉच पेज। ये पुरानी ही पॉलिसी है, जिस तरह से आपकी वीडियोस के ऊपर यूट्यूब एड चलाता है, ये सेम वही चीज है। ठीक है, ये पहले ही पाकिस्तान में एलिजिबल है और इसी तरह से लोग अर्निंग कर रहे हैं एड्स के थ्रू। अब जो नई पॉलिसी है यूट्यूब ने 2023 में अलाउ की है, ताकि उस पर भी आप एड चलाएं और अर्निंग करें, शॉर्ट्स फीड एड्स। अब जो आप शॉर्ट्स वीडियो बनाते हो, पहले वो अलाउ नहीं था उस पे मोनेटाइजेशन, तो 2023 में यूट्यूब ने अलाउ कर दिया। अब आपकी शॉर्ट्स वीडियो पे भी अर्निंग हो सकती है एड्स के थ्रू, उन पे आप एड्स को ऑन करें और अर्निंग करें। तो ये यूट्यूब ने अपडेट दिया था कि आप शॉर्ट्स वीडियो अच्छे से अपलोड करें, ज्यादा से ज्यादा व्यूज लेके और ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल से अर्निंग करें। उसके बाद मेंबरशिप्स। मेंबरशिप्स में क्या होता है, इसमें आप एक फैन क्लब बनाते हैं और इसमें बस पेड मेंबर ही आपके होते हैं, जिन लोगों ने आपको ज्वाइन किया होता है तो वही आपके चैनल को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये अभी पाकिस्तान में अलाउ नहीं है और इस तरह से आप अर्निंग नहीं कर सकते। उसके बाद है सुपर चैट। इसमें क्या होता है, जब आप लाइव चैट आते हैं तो उस दौरान जो आपकी ऑडियंस होती है आपके साथ टेक्स्ट में बात कर रही होती है, तो आपको वो पैसे भी सेंड कर सकते हैं, जिस तरह से लाइक या बीगो पे सेंड करते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान में भी अलाउ नहीं है, तो जो आपकी ऑडियंस है वो आपको पैसे सेंड नहीं कर सकती, तो ये पाकिस्तान में नहीं वर्क करती। उसके बाद है शॉपिंग। शॉपिंग में क्या है, ये पाकिस्तान में अलाउ है, इसमें आप अपना ई कॉमर्स का स्टोर यूट्यूब के साथ लिंक कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल करके अर्निंग कर सकते हैं, ये पाकिस्तान में अलाउ है। तो 2023 की पॉलिसीज के मुताबिक आप जस्ट तीन तरीके से यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हैं। नंबर वन वॉच पेज एड्स, दूसरा शॉर्ट फीड एड्स, और तीसरा जो है शॉपिंग के थ्रू। मेंबरशिप और सुपर चैट के थ्रू आप अर्निंग नहीं कर सकते। फ्यूचर में क्या पॉलिसीज आती हैं वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन ये 2023 के मुताबिक। तो क्रिएटर सपोर्ट्स एंड टूल्स में क्या आपको मिलता है, चैट एंड ईमेल सपोर्ट, ये आपको पहले ही मिलती थी। कॉपीराइट मैच टूल, ये भी आपको पहले ही मिला था। गिविंग फंड रेजर्स, तो ये पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी आइडेंस होती है, कोई भी बंदा बाहर से इंटरनेशनल लेवल से आपको फंड रेजिंग कर सकता है। जैसे इमरान खान साहब बाहर से फंड रेजिंग लेते हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं, पाकिस्तान में वो लगाते हैं सारे के सारे पैसे इकट्ठे करते हैं। इस तरह से जितनी भी आपकी आइडियंस होगी वो आपको यूट्यूब के थ्रू फंड रेजिंग कर सकती है, लेकिन ये पाकिस्तान में अभी अलाउ नहीं है, तो लिहाजा इससे आप अर्निंग नहीं कर सकते पाकिस्तान में रहते हुए। उसके बाद आ जाता है जो सबके क्वेश्चन थे कि सर अब हम चैनल को मोनेटाइज कैसे करवा सकते हैं। अगर आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर है और आपने 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा कर लिया है, तो आप चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। जस्ट अब यूट्यूब ने क्या किया कि शॉर्ट फीड से भी आपके चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अलाउ कर, अब उसने आसानी पैदा की है आपके लिए, मतलब ऑडियंस के लिए, अपने यूजर के लिए, कि जो लोग 4000 वॉच टाइम घंटा पूरा नहीं कर सकते थे, तो अब वो क्या करें, वो लास्ट 90 डेज के अंदर उनकी शॉर्ट्स वीडियो पर अगर 10 मिलियन व्यूज आ जाएंगे तो वो एलिजिबल हो जाएंगे मोनेटाइजेशन के लिए। अगर उनका 4000 वॉच टाइम पूरा नहीं होता तो उनके अगर व्यूज पूरे हो जाते हैं
तो वो एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। अब जस्ट इसमें डिफरेंस क्या है, सब्सक्राइबर दोनों में सेम है, इन दोनों में आपने एक चीज को पूरा करना है, चाहे वॉच टाइम पूरा कर लें चाहे व्यूज पूरा कर लें। अब जो आपने वॉच टाइम पूरा करना है ये आपने लास्ट 365 डेज के अंदर पूरा करना है, ठीक है। अब जो व्यूज है, व्यूज में बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किए थे कि अगर हम लास्ट 90 डेज में व्यूज पूरे नहीं कर सकते तो क्या 6 मंथ में कर लें तो फिर हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा व्यूज के चार्ट के थ्रू, या क्या हम 1 साल में पूरा कर लें? तो इसका आंसर यह, जी हाँ भाई बिल्कुल, अगर आपने लास्ट साल में या 2 साल या 3 साल 10 साल के अंदर भी अगर आपने लास्ट 90 डेज के अंदर 10 मिलियन किए होंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। यूट्यूब क्या करेगा, जिस दिन अगर आपकी एक ही वीडियो पे 10 मिलियन व्यूज आ गया ना, तो यूट्यूब क्या करेगा उसी दिन से लेकर लास्ट 90 डेज को अकाउंट करेगा और वो आपके 10 मिलियन अकाउंट का हो जाएंगे पूरे, आप मोनेटाइजेशन के अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आप बड़ी आसानी के साथ शॉर्ट वीडियो को अपलोड करें और अपने 10 मिलियन व्यूज लास्ट 90 डेज में लेके आए और चैनल को अप्लाई करें मोनेटाइजेशन। जब आपके इतने व्यूज आएंगे तो सब्सक्राइबर आपके ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। तो वॉच टाइम वाली जो रिस्ट्रिक्शन थी वो यूट्यूब ने खत्म कर दी है, अगर आप उस तरीके से करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, यूट्यूब दोनों तरीके से अलाउ कर रहा है। उसके बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ये आपने कंप्लीट करनी है, ये पुराना मेथड ही है। उसके बाद फॉलो कम्युनिटी गाइडलाइंस, अगर आपको कोई कम्युनिटी गाइडलाइन होगी तो यहाँ पे आपका ये चेक नहीं होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, पहले आप उसको रिजोल्व करेंगे फिर अप्लाई करेंगे। तो ग्रीन का मतलब है आपके चैनल पे कोई कम्युनिटी गाइडलाइन नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी नई पॉलिसी यूट्यूब की, अगर आप सब्सक्राइबर पूरे कर लेते हैं या वॉच टाइम पूरा कर लेते हैं या व्यूज पूरे कर लेते हैं, जब आपके ये जो बार है ना, अगर आपने सब्सक्राइबर पूरे कर लिए तो ये 100 पे चली जाएगी, पूरी हो जाएगी, तो इसका मतलब होगा कि आपके सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। अगर आपका वॉच टाइम जितना भी होगा तो यहाँ पे बार पे आपको शो हो रहा होगा, ठीक है, तो आपको पता चलता जाएगा कि आपका वॉच टाइम इतना हो गया, और आपने शार्ट्स अगर अपलोड की होंगी तो उनमें कितने व्यूज आए आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो जैसे ही आपकी क्राइटेरिया पूरा आता है तो यहाँ पे आपको अप्लाई नो का बटन आ जाएगा, जहाँ पे बिकम अ पार्टनर है ना, इसके नीचे अप्लाई नो का बटन आ जाएगा, आप अप्लाई नो करके मोनेटाइजेशन ले सकते हैं। तो ये थी सिंपल पॉलिसीज 2023 की। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका अगर वॉच टाइम या सब्सक्राइबर या आपने शॉर्ट्स वीडियो से व्यूज पूरे कर लिए 10 मिलियन तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे आपका अप्लाई नो का बटन आएगा आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं कि आप 2023 में अपना एडसेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो आपने नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन हिट कर दें ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो पोस्ट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।